हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत होंगे। वेलकम टू माय चैनल एयर एसएमआर चैनल। ठीक है जनाब, यहाँ पे देखो हम लोग जो है ना, बारिश आ गई है, ठीक है, टेक्सचर जो है वो कवर्ड हो रहे हैं, समेटे जा रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी मैंने कहा साथ ब्लॉग बना लेती, क्रमलिंग कर लेती हूँ। बाहर से भी हो रही है लेकिन पूरा हफ्ता बारिश है, सही वेदर चेक करना आप लोग। आप भी कहते होंगे कि इनके ब्लॉग वगैरह नहीं आ रहे, भैया यही मसला है, अल्लाह के काम है, ये बारिशें कोई बात नहीं, वादे करते होते रहते हैं। चले ये मैंने टेक्सचर सारा समेट दिया, अब दूसरे कोई और नेक्स्ट चेक करके बाहर चलते हैं। ये है मामा, अपने आपसे बातें करिए, फ़ोन मेरे पास है। खैर कोई गल नहीं, यहाँ पे मामा ने क्रमलिंग की है, थोड़ी सी मैं भी कर लेती हूँ ताकि फिर ना बराबर हो जाए। जो जो टेक्सचर बचे हैं बस उसकी ही हो सकती है क्रमलिंग। यार मैं वीडियोस अभी नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी क्योंकि आप लोगों के सामने ही है सारे टेक्सचर्स के ये हालात। ठीक है, व्लॉग और क्रमलिंग हो जाए करेगी इंशाल्लाह। हाँ सारे ड्राई हुए थे, ये मम्मा ने ना बस कहा के चल मैं वही तो कह रही हूँ। चेक करो ना बस, मम्मा ने अच्छा सोचा लेकिन हुआ फिर वो ये है कि फिर मम्मा खुद जो है ना वो निकल पड़ी हमारे पास आ गई। बड़ा एहतियात ज़रूरी है भाई, आप लोग भी एहतियात करना। ठीक है ये भी वेट है सारा अंदर से। चलो मैं ना थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ, वहाँ से ना जितनी भी मर्ड है ना, सॉरी मार जो ये ग्रे कंक्रीट वाला टेक्सचर, क्या उसको कहते हैं यार, ये देखो ये सारी मर्ड वाला टेक्सचर है ऊपर, ये जो जितना फैला हुआ है ये सारा का सारा वो हमारा टेक्सचर है ग्रीटी सीमेंट वाला। ये फिलहाल जो है ना मैं इसी में ही डाल देती हूँ, फिर इसके ऊपर से ना निकाल लूँगी। तो बारिशें आनी है तो फिर इन्होंने फिर दोबारा जो है ना ज़ाया हो जाना। भाई दो दिन तो मेरे से ना ऊपर आया ही नहीं गया कि छत के हालात कुछ इस तरह से थे, पर दिल इतना बुरा था छत को देख के। आप लोग भी परेशान हुए थे, ब्लॉग्स नहीं आ रहे, वीडियोस नहीं आ रही, बस इसी वजह से। बट अब क्या करें, काम तो करना है, जारी बात है, जो जो कह लो कि खलारा किया है उसको समेटना तो है ही है। ठीक है, याद नहीं करती मैं।
हाँ जी, यहाँ से बस मैं थोड़ी सी ना ये जगह साफ कर दूँ, क्योंकि ये सारा का सारा टेक्सचर जो है ना ज़ाया हो जाना है बारिश की वजह से। आप उधर शीट डालो। ये देख लो, ठीक है। बाकी ना अभी मैं फिलहाल जो है ना आप लोगों से मिलती हूँ, ज़रा मैं ना ये सारी क्लीन नहीं बल्कि क्लीनिंग कर ही लेते हैं। आप लोग देखते तो होते ही हो, मुझे पता है, फिर आप लोग बोलोगे बंद क्यों की थी। कर ही लेती हूँ आप लोगों के सामने, पहले मैंने सोचा कि ऑफ कैमरा करती हूँ, अभी आपके सामने ही कर लेते। अंदर तक टेक्सचर घुसा हुआ, थोड़ी देर बारिश रुक जाए ना तो मैं आराम से यहाँ से सारी जगह साफ कर लूँ। सुबह से धूप थी इसलिए मैंने सोचा कि चलो ज़रा टेक्सचर ड्राई होते तो बाद में ब्लॉग बनाती हूँ। सुबह सुबह गीले टेक्सचर्स का ब्लॉग क्या बनाती मैं। ये देखो, चलो बाकी का मैं सारा जो है ना वो क्लीन अप करके देन मैं आपसे मिलती हूँ। स्टे कनेक्ट विद मी, यहाँ के टेक्सचर के हालात देखो सर। स्टे कनेक्ट विद मी। लो जनाब, बारिश हो गई है स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ से मैंने बस अभी थोड़ी सी जगह साफ की है और बारिश स्टार्ट हो गई है। मैंने सोचा था कि चलो थोड़ा ही झाड़ू लगा देती हूँ, लेकिन अभी कोई सीन नहीं है। और यहाँ पे शीट्स डाल दी हैं मैंने, थोड़ा जो इधर करके पाया करो इत्थे। चलो गोल्डन सैंड बेचारी किसी पॉलीथीन वाले डब्बे में डाल दो, नहीं तो हाँ इन्होंने पा दो। इतना दूजा एक और डब्बा पे मैं अभी लैके, ये ब्लैक सैंड है जो अभी फुल टप में पड़ी हुई है। और यहाँ पे देखो डब्बे में क्या है, ये भी खाली है, इसको भी उठाते हैं। और अम्मा को पकड़ाते हैं भाई। ये सीन ऑन है फिलहाल, ये देखो ये छत वाला टेक्सचर पूरा टप भर गया है, लेकिन मैंने निकाला नहीं है इसको। मैं कवर करती हूँ किसी चीज़ से। हेलो फड़ो मामा, ठीक है ना, अद बच्चे पा लेना, ठीक है। इन्हें मैं कि कवर करा, चलो खैर जिन्हें भी बारिश पेगी पै जाए इन कोई मसला नहीं। और ये वाला टप भी जो है ना, इसमें भी वो मड वाला टेक्सचर है जो कि अभी तक नहीं निकला। बारिश ही इतनी है, बारिश बारिश बारिश, मासा जो होते आओ बारिश, मासा जो होते आओ बारिश, बंदा कड़े तो कड़ेगी। फिलहाल यहाँ से अब मैंने सारा कुछ जो है ना अरेंज समेट समूट दिया है, ठीक है। ये रेड रेड के अंदर से ना मम्मा ने पानी निकाला है, रेड मड के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पानी था। ये वो हमारी सैंड जो पूरी छत से इकट्ठी हुई है, यहाँ से अब शीट्स डल गई हैं। लेट्स सी अब दोबारा फिर क्या होता है क्या नहीं होता, अल्लाह करे बस बचत हो जाए। अब टेक्सचर्स वैसे तो शीट्स वगैरह दे दी हैं। खैर ये वाला टेक्सचर मुझे उठाना था, मुझे याद भूल गया। ये हमारा जिम चौक वाला टेक्सचर है। जिम चौक वाला है कि दूसरा हैंडमेड जिम चौक वाला, प्योर वाला नहीं जड़ा सी आप ना है। तो यही है ना हैंडमेड जिम चौक पहलो। ओके लो भाई, इसको मैंने रख दिया और कवर भी कर दिया।
अच्छा बता। बाकी ब्लैक टर्ट को भी देख लूँ ना मैं, पूरा ये कवर्ड है। ठीक है, कवर्ड ही है। चलो जनाब फिर ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है बाबा, टाटा अल्लाह हाफिज़।